हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अमित। आई एम सो सॉरी, मैं वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर पा रहा हूँ। इन गाइस, ये वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि प्रोटीनेक्स, कई लोग प्रोटीनेक्स यूज़ करते हैं और उन्हें लगता है कि प्रोटीनेक्स काफ़ी चीप है इन कंपेरिजन टू वे प्रोटीन। बट एक्चुअल में क्या ऐसा है या नहीं है? और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन होगा उसको जो है आप क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ फटाफट से। देखिए, प्रोटीनेक्स की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको हेल्थ कार्ड वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। हेल्थ कार्ड वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे तो प्रोटीनेक्स आप 0.88 LBS में आप चेक करेंगे, विच इज़ समवेयर अराउंड 400 ग्राम्स। 400 ग्राम का आपको प्रोटीनेक्स जो है समवेयर अराउंड आपको 580 कुछ का इसमें दिखा रहा है। अगर मैं बात करूँ हेल्थ कार्ड पे, 400 ग्राम का आपको 580 रुपए का दिखा रहा है चॉकलेट फ्लेवर में। दूसरा, अगर वनीला फ्लेवर की बात करूं तो 520 रुपीस का है, और चॉकलेट फ्लेवर की बात करूं 585 रुपीस का दिखा रहा है। चलिए मैं 520 रुपीस के हिसाब से लगाता हूं, हालांकि दोनों की क्वांटिटी सेम है, फ्लेवर अलग है। वनीला का 520 दिखा रहा है और चॉकलेट फ्लेवर 585 का दिखा रहा है। 520 रुपीस के अगर हिसाब से अगर मैं बात करूं, 30 ग्राम्स पर सर्विंग है, 400 ग्राम का यह है, तो अगर डिवाइड किया जाए तो समवेयर अराउंड इसमें 13 सर्विंग निकलती हैं, 13 सर्विंग, और पर सर्विंग आपको जो प्रोटीन है वो 9.6 ग्राम्स आपको मिल रहा है पर सर्विंग, जो 30 ग्राम्स की सर्विंग है, 9.6 ग्राम्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में आपको 16 ग्राम मिल रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं आप, 16.4। तो कार्बोहाइड्रेट्स में काफ़ी ज़्यादा है, और शुगर इसमें 9.3 है। जितना ही आपका प्रोटीन है उतना ही आपको शुगर इसमें मिल रही है। और मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें सोया प्रोटीन यूज़ होता है, ये वे प्रोटीन तो है नहीं। तो बजट की जैसे लोग बात करते हैं कि ये उन्हें सस्ता लगता है और जो बाकी ब्रांड्स के जो वे प्रोटीन है वो उन्हें महंगा लगता है, पहली बात तो आप लोग जानते हैं कि वे प्रोटीन इज़ सुपीरियर देन सोया प्रोटीन, क्योंकि वे प्रोटीन आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, तो आपको जो है वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। तो वे प्रोटीन इज़ ऑब्वियसली सुपीरियर। इसमें शुगर आपको ज़्यादा मिल रही है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन अगर आप दूसरे ब्रांड का अगर देखें, किसी भी ब्रांड का उठा लीजिए, मैं एक एवरेज रेट लेके चलता हूँ। सपोज़ आपको 4500 में कोई प्रोटीन, 4500 रुपीज़ में आपको कोई प्रोटीन का बॉक्स मिल रहा है, राइट। मैं अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार की बात करता हूँ, विच इज़ 5.28 LBS। मैं एक एवरेज रेट लेके चल रहा हूँ, जैसे अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार वे प्रोटीन जो है 5.28 LBS। चॉकलेट क्रीम की अगर मैं बात करूँ या कोको मोका, दोनों 4619 रुपीज़ के दिखा रहे हैं। चलिए 4600 के हिसाब से चलता हूँ, 4600 रुपीज़ के हिसाब से इसमें 80 सर्विंग है, तो अगर कैलकुलेट किया जाए 4600 डिवाइडेड बाय 80 सर्विंग्स हैं, 80 सर्विंग 25 ग्राम प्रोटीन, 80 सर्विंग को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 25 से, तो सारी सर्विंग्स को मिला के 2000 ग्राम प्रोटीन एक बॉक्स में, 2000 ग्राम। इसके अगर आप 4619 रुपीज़ देते हैं, 4619 डिवाइडेड बाय 2000, तो आप ₹2.30 पर ग्राम ऑफ प्रोटीन के दे रहे हैं। वेयर एज अगर आप बात करें प्रोटीन एक्स की, तो प्रोटीन एक्स में आपने स्पेंड करे 580 रुपीज़ भी, अगर मैं तो चलिए कम ही लगा रहा हूँ, और भी अगर आपको 520 रुपए का मिल रहा है, 520 रुपए 13 सर्विंग होती हैं, पर सर्विंग आपको 9.6 ग्राम मिल रहा है, तो 13 × 9.6 ये आता है 124.8 ग्राम, यानी 124 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है पर बॉक्स में प्रोटीन एक्स के। तो 124 जिसके आपने दिए हैं 520 रुपए, 520 को डिवाइड करूँगा 124.8 से, तो ये आपको पर ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 4.1 रुपए, 4.167 है, तो लगभग 4.2 रुपए कह सकते हैं, 4.2 रुपए पर ग्राम आपको प्रोटीन पड़ रहा है प्रोटीन एक्स का, और 2.3 रुपए जो है पर ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको पड़ रहा है वे प्रोटीन का। सुपीरियर आप लोग जानते हैं कौन सा है, वे प्रोटीन सुपीरियर है ऑब्वियसली। और अगर मैं बात करूँ पर सर्विंग की, जैसे कि प्रोटीन एक्स में आपको कार्ब 16.4 ग्राम आपको कार्ब मिल रहे हैं, वेयर एज अगर वे प्रोटीन की बात करें तो कार्ब आपको पर 30 ग्राम की सर्विंग में सिर्फ 2 ग्राम मिल रहा है, और प्रोटीन की बात करूँ तो 25 ग्राम है, जो कि प्रोटीन एक्स में सिर्फ 9.6 ग्राम है। एट द सेम टाइम शुगर आपको प्रोटीन एक्स में 9.3 ग्राम मिल रही है, और नॉर्मल वे प्रोटीन में आपको शुगर मिल रही है सिर्फ 1 ग्राम पर सर्विंग। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया है कि कौन सा आपको ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है और कौन सा आपको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। 2.3 रुपए पर ग्राम आपको वे प्रोटीन में पड़ रहा है, और 4.2 रुपए पर ग्राम आपको प्रोटीन एक्स में पड़ रहा है। ऑब्वियसली मैं ये मुझे ये लगता है कि जो ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि प्रोटीन एक्स में, जैसे कि
कम रेट का है, हालांकि महंगा तो है ही, जो कि मैंने साबित कर दिया, लेकिन प्रोटीन एक्स आप 500 रुपये 600 रुपये खर्च करके ले सकते हैं, वेयर एज 4,500-5,000 रुपये खर्च करना एक बार में थोड़ा महंगा होता है। बट आप खुद सोचिए, अगर आप 80 सर्विंग लेते हो और 1 स्कूप पर डे लेते हो, आपका 2.5 महीने चलेगा। और यहाँ अगर प्रोटीन एक्स की बात करूँ तो 13 सर्विंग है, 13 सर्विंग आपकी 13 दिन चलेंगे, और प्रोटीन भी आपका पूरा नहीं हो रहा। 9.6 ग्राम है आपका, 9.6 ग्राम में आपका कुछ होने वाला नहीं है, 25 ग्राम आपको वे प्रोटीन में मिल रहा है। तो आप कुछ समझ सकते हैं। आई होप गाइस आपको एक क्लैरिफाई कर दिया मैंने कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। और मैंने एक वीडियो बनाई रखी है ऑलरेडी कि आप अगर ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं तो कौन सा आपके लिए बेटर होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वीडियो के। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में बेल का आइकन होगा उसको क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।